हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सुन, दोबारा से खेलने जा रहे हैं एमपीएल पर वन जोनो पूर्णी। एंड गाइस, ये गेम प्ले मेरे की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंटेंस गेम प्ले होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वन पर एलिमिनेट होकर रीजन होने वाला है। सो गेम प्ले काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम इजी विनर बनने वाले हैं। सो गेम प्ले मस्ट एंड तक वॉच करना, हो सके तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, सो गाइस बात करते हैं इस गेम प्ले की। तुम्हारे पास देख सकते हो फर्स्ट राउंड में प्योर सिक्वेंस है एंड वन जोकर है, सो प्ले करना तो बनता है। ओके, वैसे गाइस हमें डिक्लेयर करने के लिए ओनली टू वैलिड कार्ड चाहिए, क्लब में 8 और स्पेस में 10 या फिर 7 आ जाता है तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, 2 आया, चलो मैं किंग को डिस्कार्ड कर देता हूँ। 7 को हम गाइस जो होल्ड करने वाले हैं, क्योंकि डबल है ना, बंदा पिक भी कर सकता है। ओके, बंदे ने निकाला गाइस हर्ट, एस पिक नहीं करेंगे, क्लोडेस से कार्ड पिक करते हैं। एंड गाइस हमारे पास किंग आ चुका है, इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, हमारे लिए यूजलेस है ना। देख रहे हो गाइस, हमें 2 वैलिड कार्ड चाहिए और कहाँ पे इतनी टर्न लग रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बंदा जो है हमसे पहले डिक्लेयर कर लेगा। ओके, और बंदे ने गाइस 7 निकाला, तो मुझे लग रहा है गाइस ये जो बंदा 7 पिक कर सकता है। सो हम 7 को डिस्कार्ड नहीं करने वाले, सो मैं एस को डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये जो बंदा ओपनर से कार्ड पिक करे। वैसे गाइस मुझे लग रहा है हमें 7 डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 तो वैलिड कार्ड हैं। लेकिन अब देखो हम कौन सा कार्ड निकालें, 2 भी बंदा पिक कर सकता है और 7 पिक कर सकता है। सो गाइस रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, चलो 2 को डिस्कार्ड कर देते हैं, 7 को होल्ड रखते हैं। देखो गाइस ये बंदा 2 को पिक कर लेता है और आई थिंक मुझे लग रहा है डिक्लेयर नहीं, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। एंड गाइस देखो अगेन इस बंदे ने 7 निकाला, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इस बंदे को 7 की नीड हो सकती है। ओके, एंड फाइनली गाइस हमारे पास क्लब 8 आ चुका है, सो 7 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। अब देखते हैं गाइस बंदा कितने पॉइंट से लॉस हुआ है। वैसे गाइस मुझे नहीं लगता ये जो बंदा हाईएस्ट पॉइंट से लॉस हुआ होगा, क्योंकि इस बंदे ने ओपन ऐसे कार्ड पिक किया था, तो आई थिंक बंदा जो है पॉइंट्स डाउन तो कर ही चुका होगा। सो देखते हैं बंदा कितने पॉइंट से लॉस हुआ है। भाई फिनिश तो कर दे, इतना टाइम क्यों लगा रहा है, पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके आया बंदा, इतना टाइम कौन लगाता है गाइस, देख रहे हो। ओके, 27 पॉइंट से लॉस हुआ, चलो बढ़िया गाइस हमारे लिए तो। एंड गाइस देखो इस बंदे ने 2 को तो वैलिड पिक किया था, ना कि इस बंदे ने प्योर सिक्वेंस रैंक की थी। खैर बंदा जो है पॉइंट डाउन कर ही लेता है। ओके, सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं एंड इस पर गाइस हमारे पास ओनली सिंगल जोकर है, सो इस बार तो गाइस मुझे ड्रॉप ही करना पड़ेगा। वैसे अगर हमारे पास हट में जे आ जाता है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास 8 का सेट रेंज हो सकता है, क्योंकि 9 जोकर है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड गाइस देखो इस बंदे के पास 3 जोकर थे, लेकिन जो है सेकंड लाइव में 2 जोकर आ रहे थे, जिस वजह से बंदे के 27 पॉइंट लग गए हैं। ऐसे ये बंदा क्वीन डिस्कार्ड कर सकता था और बट इतनी टर्न नहीं लगी गाइस, इस वजह से बंदा जो है 27 पॉइंट से लॉस हो गया था। खैर देखते हैं इस बार गाइस कौन कौन प्लेयर प्ले कर रहे हैं। ओके, 3 प्लेयर गाइस प्ले कर रहे हैं, तो हमारा तो रिस्क लेने का चांस बनता है नहीं, सो हम ड्रॉप कर देते हैं। एंड गाइस देखो डीलर भी इस बार तो प्ले कर रहा है, चलो बढ़िया। इन बंदों में से कोई बंदा अगर मिनिमम टाइम डिक्लेयर करता है तो गाइस बंदे जो है हाईएस्ट पॉइंट से लॉस हो जाएंगे और हमारे विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड गाइस इसी के साथ करते हैं बैट स्किप, देखते हैं गाइस इन चारों बंदों में से कौन बंदा डिक्लेयर करता है। ओके, सो फाइनली गाइस जो है सेकंड लास्ट प्लेयर डिक्लेयर कर देता है। एंड गाइस जो सेकंड राइट प्लेयर होता है ये बंदा ओनली 3 पॉइंट से लॉस होता है। एंड गाइस जो डीलर होता है ना ये बंदा ओनली 11 पॉइंट से लॉस होता है। जो गाइस राइट प्लेयर होता है ये बंदा जो मिडल ड्रॉप कर देता है, जिस वजह से इस बंदे की 60 पॉइंट हो जाते हैं। सो चलो बढ़िया हमारे लिए गाइस, अगर बंदों के पॉइंट इंक्रीज होंगे तभी तुम्हारे विनिंग चांसेस बढ़ेंगे ना। खैर कोई नहीं गाइस, अगेन कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, इस पर गाइस हमारे पास काफ़ी ओपी कार्ड हैं लेकिन प्योर सिक्वेंस रहे नहीं है, बट वैलिड कार्ड तो काफ़ी हैं, तो आई थिंक जो आप प्योर सिक्वेंस गाइस इजी रेंज हो जाएगी। वैसे गाइस डायमंड में 9 हमको चाहिए था, वैसे मैं सोचा था गाइस ये बंदा ड्रॉप कर देगा और हम 9 पिक करके प्योर सिक्वेंस रेंज कर लेंगे, लेकिन गाइस ये बंदा तो प्ले कर रहा है। लेकिन कोई नहीं, ये बंदा क्वीन डिस्कार्ड करता है और इसी के साथ हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो जाती है। सो हम हर्ट में किंग डिस्कार्ड कर देते हैं, वैसे भी हमारे लिए यूजलेस है। इसको हमने इस वजह से होल्ड रखा है क्योंकि हमारे पास अगर डायन में किंग या फिर डायन में क्वीन आती है तो इसको उसमें अरेंज कर लेंगे। ओके, एंड गाइस देखो ये बंदा जो पिक कर लेता है किंग को, खैर क्या ही कर सकते हैं, वैसे हमारे लिए यूजलेस था।
तो हमको डिस्कार्ड तो करना ही पड़ता। एंड गाइस इस बार 3 प्लेयर एक्टिव है। ओके देखो गाइस बंदे डाउन किंग डिस्कार्ड किया हम फॉलो करके। चलो इसी के साथ गाइस हमारी 5th कार्ड की सीक्वेंस रेंज हो चुकी है, सो मैं 9 को डिस्कार्ड कर देता हूँ। एंड गाइस डिक्लेयर करने के लिए ओनली सिंगल कार्ड चाहिए हमको, सो देखते हैं आता है या फिर नहीं। वैसे गाइस जो है 6 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, क्योंकि 7 जॉकर है और बंदे 6 डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओके एंड गाइस देखो इस बंदे ने हमको फॉलो करके 9 ही डिस्कार्ड किया। कोई नहीं, क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगे, क्या पता अच्छा ही कार्ड आ जाए। एंड गाइस देखो फाइनली हमारे पास 3 आ चुका है और हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है। सो डाउन एस के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। गाइस हमने मिनिमम टर्म डिक्लेयर किया, तो आई थिंक बंदे जो है हाईएस्ट पॉइंट से लॉस हो सकते हैं। ओके बंदे आई थिंक मिनिमम पॉइंट से लॉस हुए हैं। गाइस जो लेफ्ट पेयर है ये बंदा आई थिंक ओनली 19 पॉइंट से लॉस हुआ है, और जो राइट पेयर था ये बंदा 24 पॉइंट से लॉस हुआ है। जो 60 पॉइंट वाला बंदा था आई थिंक ये बंदा भी 19 पॉइंट से लॉस हुआ है। खैर क्या ही कर सकते हैं। सो अगेन गाइस कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, डिस्पाइट गाइस हमारे पास अगेन काफ़ी ओपी कार्ड है, देख सकते हो प्योर सिक्वेंस है। एंड गाइस 2 जोकर हैं लेकिन थोड़े इनवैलिड कार्ड भी हैं, बट कोई नहीं, अगर गाइस हम डिक्लेयर नहीं ना कर पाए तो कम से कम पॉइंट तो डाउन कर ही लेंगे। ओके एंड गाइस हम क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं, हमारे पास 2 आ चुका है, सो मैं क्वीन को डिस्कार्ड कर देता हूँ। लेकिन गाइस ये क्या बने, तो क्वीन को पिक कर लिया। वैसे हमने गाइस थोड़ी सी गलती कर दी है, अगर हम 9 डिस्कार्ड करते तो हमारे लिए बेस्ट होता, क्योंकि क्वीन का हमारे पास हेड रेंज हो सकता था फ्यूचर में। सो कोई नहीं, विनर तो हम ही बनेंगे, टेंशन मत लो गाइस। ओके डीलर गाइस ड्रॉप कर चुका है, जो राइट पेयर ये भी प्ले कर रहा है। एंड गाइस ये बंदे ने 10 निकाला, कोई नहीं क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। ओके गाइस गलत सीन हो गया हमारे साथ, तो अगर हम क्वीन को होल्ड रखे होते ना तो शायद हमारे पास अब तक सेट रेंज हो चुका होता। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, 9 निकाल देते हैं हम भी। वैसे मुझे लग रहा था कहीं बंदा पिक ना कर ले, क्योंकि 7 जॉकर था ना, तो सेट रेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे थे मुझे। एंड गाइस देखो ये बंदा टाइम लगा के कार्ड पिक कर रहा है। एंड गाइस देखो फाइनली डिक्लेयर कर दिया इस बंदे ने हमारी ट्रिक फॉलो करके गाइस। खैर कोई नहीं, हमारे 28 पॉइंट लग चुके हैं। एंड गाइस देखो एक प्लेयर तो डैट एलिमेंट हो चुका है, जो 79 पॉइंट वाला बंदा था। अब देखते हैं राइट प्लेयर लेयर कितने पॉइंट से लॉस हुआ है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये बंदा अपने एलिमेंट हो जाए। ओके इस बंदे भी गाइस 89 पॉइंट हो चुके हैं, गलत सीन हो गया इस बंदे के साथ भी, 50 पॉइंट डैट लग चुके हैं गाइस। एंड गाइस अब बचे हैं ओनली 3 प्लेयर हमारे, और जो 51 पॉइंट वाला बंदा इसके इक्वल पॉइंट है। ऐसे ये बंदा गाइस हमें फ्यूचर में टक्कर दे सकता है। खैर कोई नहीं गाइस, अगेन कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, डिस्पर गाइस हमारे पास 2 जोकर हैं लेकिन थोड़े वैलिड कार्ड कम है, बट कोई नहीं, हम ट्राई तो करेंगे कि हमारी जो है प्योर सिक्वेंस रेंज हो पाए। वैसे 1 प्लेयर तो ड्रॉप कर चुका है, अब देखते हैं 74 पॉइंट बंदा प्ले करता है या फिर ड्रॉप। अगर गाइस 1v1 रहेगा तो हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे डिक्लेयर करने के और प्योर सिक्वेंस रेंज होने के भी। ओके वैसे गाइस 74 पॉइंट बंदे प्ले कर रहा है। वैसे गाइस इस सिचुएशन में तो मैं ड्रॉप ही कराऊंगा, क्योंकि 74 पॉइंट वाले बंदे पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कहीं इसके पास अच्छे कार्ड ना हो, सो इस वजह से मैं रिस्क नहीं लेता। हो सकता है काफ़ी बंदे जो है इस इन कार्ड्सों से प्ले कर सकते थे, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता। एंड गाइस देखो इस बंदे ने क्वीन के साथ सेकेंड लाइफ रेंज की थी जिसने डिक्लेयर किया था। खैर क्या ही कर सकते, अब कोई नहीं, हम गाइस इसी के साथ करते हैं बैट स्किप, देखते हैं गाइस इन दोनों बंदों में से कौन बंदा डिक्लेयर करता है। ओके सो फाइनली गाइस जो है 74 पॉइंट बंदा डिक्लेयर कर देता है। एंड गाइस जो सेकंड लेयर पर होता है ये बंदा डैट एलिमेंट हो जाता है, क्योंकि इस बंदे की आई थिंक प्योर सिक्वेंस रही नहीं हो पाती। देख सकते हो गाइस इस बंदे के 52 पॉइंट लग के डैट एलिमेंट हो, और ये बंदा देखो रीजन भी हो जाता है भाई। खैर वैसे रीजन होना इसका बनता था, क्योंकि समथिंग समथिंग सभी प्लेयर के पास इक्वल है ड्रॉ करने का ऑप्शन, तो रीजन हो सकता है। वैसे गाइज यहाँ पर 2 प्लेयर एक्टिव होते तो इस बंदे का रीजन होना बनता था, लेकिन अभी भी 4 प्लेयर एक्टिव है तो इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं विनिंग चांसेस। तो खैर कोई नहीं गाइज, अगेन कार्ड रिसीव हो चुके हैं, इस पर गाइज हमारे पास कार्ड तो काफ़ी ओपी हैं लेकिन प्योर सिक्वेंस रेंज नहीं है। अगर प्योर सिक्वेंस रेंज हो गया तो हम जो है डिक्लेयर भी कर सकते हैं मिनिमम टर्न में। बंदे ने किंग निकाला, कोई नहीं क्लोडा से कार्ड पिक करते हैं। ओके क्लब 6 आया,
सो हम डायमंड में एस को डिस्कार्ड कर देते हैं, किंग डबल है सो इस बार होल्ड कर देते हैं इसको। काफ़ी बंदे हो सकता है किंग की डिस्कार्ड कर देते। एंड गाइस देखो इस बंदे ने तो एस ही पिक कर लिया। खैर गलत सीन हो जाएगा बंदा ने अगर डिक्लेयर किया तो। गाइस हम सोच रहे हैं हमारे पास क्लब में क्वीन आ जाए, हर्ट 9 क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। ओके और फाइनली गाइस हमारे पास क्वीन आ चुकी है और गाइज हमारी प्योर सिक्वेंस रेंज हो चुकी है। सो अब हम निकाल देते हैं क्लब में किंग को। एंड गाइज डिक्लेयर करने के लिए हमको ओनली सिंगल कार्ड चाहिए, 7 के रिलेटेड कार्ड आ जाए या फिर 6 के रिलेटेड कोई भी कार्ड आ जाए तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके इस बंदे ने गाइज डायमंड 6 निकाला है। वैसे इस बंदे के जो है आई थिंक 20 प्लस पॉइंट लग सकते हैं जिस बंदे ने कार्ड पिक नहीं किया, जो सेकंड रिपेयर है। ओके और फाइनली गाइस बंदे ने 7 डिस्कार्ड कर दिया है। सो 6 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ फिनिश। गाइस मुझे लग रहा है इन दोनों बंदों में से वन प्लेयर एलिमिनेट होने वाला है। सो कौन होगा, जो रीजन प्लेयर है वो या फिर डीलर? गाइस रीजन प्लेयर तो बच चुका है और डीलर भी। गाइस देख रहे हो ये बंदा ओनली 3 पॉइंट्स लॉस हुआ है, सीरियसली। एंड गाइस देखो इस बंदे को ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था। खैर क्या ही कर सकते हैं। ओके सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं, डिस्प्ले गाइस हमारे पास प्योर सिक्वेंस है एंड ओपन डेक में जॉकर है। सो प्ले करना तो बनता है या फिर नहीं प्ले करेंगे गाइस। सो मैं जे को डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास डबल भी है, अगर बंदा फॉलो करेगा तो हम सेट रैंक कर सकते हैं जे का। ओके और बंदे ने 8 निकाला है, वन प्लेयर ड्रॉप कर चुका है। एंड गाइस देखो डीलर भी प्ले कर रहा है। वाह गाइस बंदे ने जे का कड़े जे निकाला, चलो हमारा सेट रेंज हो चुका है। सो अब हम निकाल देते हैं क्लब में एस को, क्योंकि 10 हमको हमने इस वजह से होल्ड रखा है, अगर फ्यूचर में हमारे पास 10 आ गया तो हम सेट रैंक कर लेंगे ना। ओके वैसे क्लब 8 तो मुझे नहीं लग रहा आ सकता है, सॉरी क्लब 10, क्योंकि इस बंदे ने क्लब 8 पिक किया था ना, हर्ट 5। चलो पिक कर लेते हैं गाइज। एंड अब हम 10 निकालें या फिर 7 को, चलो 10 ही डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि मुझे डाउट भी लग रहा था कहीं बंदा पिक ना कर ले। सो मैं रिस्क ले ही लेता हूँ, 7 भी गाइज डबल है ना हमारे पास, सो बंदा पिक भी कर सकता है। सो इस वजह से मैं 7 डिस्कार्ड नहीं करता, हो सकता है काफ़ी बंदे जो है 7 डिस्कार्ड कर सकते थे लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ओनली सिंगल कार्ड चाहिए अब तो डिक्लेयर करने के लिए। 10 के अकॉर्डिंग स्पेस में 8 भी बंदा डिस्कार्ड कर सकता है और स्पेस में जे भी। ओके लेकिन गाइस इस बंदे ने तो एस निकाला, कोई नहीं क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं थोड़ा तो सा टाइम लेंगे। एंड गाइस देखो हमारा बेस्ट डिसीजन था जो हमने 10 निकाला था। एंड गाइस देखो डीलर तो डेट एलिमिनेट हो चुका है लेकिन जो सेकंड लेयर है ये बंदा देखो ओनली 4 पॉइंट से लॉस हुआ है। इस बंदे का लक अच्छा था, चलो बढ़िया। अब गाइस बचा लास्ट राउंड इन बंदों का, हम जो एलिमिनेट करके विनर बनने वाला है ईजी। ओके सो अगेन गाइस कार्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। एंड गाइस कार्ड देखो हमारे पास कितने ओपी हैं, प्योर सिक्वेंस है एंड गाइस 3 जोकर हैं। एंड गाइस डिक्लेयर करने के लिए ओनली सिंगल कार्ड अब चाहिए हमें, डायमंड में एस, डायमंड में 5 या फिर हर्ट में 10। ऑप्शन तो गाइस हमारे पास काफ़ी हैं। ओके हर्ट एस निकाला, कोई नहीं क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं, अगर डायमंड एस आता तो हम डिक्लेयर कर सकते थे। खैर इस बंदे का लक अच्छा था। ओके क्लब 7 आया सो रख लेते हैं एंड एस को डिस्कार्ड कर देते हैं। गलती से बंदा जो कोई कार्ड डिस्कार्ड करे गाइज। एंड गाइज देखो इस बंदे ने तो जे ही पिक कर लिया, सीरियसली कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा हमसे पहले डिक्लेयर कर दे। 10 निकाला, कोई नहीं क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं गाइज, थोड़ा सा टाइम लेंगे इस बार, मुझे लग रहा है गाइज हमारे पास जो है वैलिड कार्ड ही आएगा। एंड गाइज देखो फाइनली हमारे पास जॉकर ही आ चुका है। सो 7 के साथ करते हैं डिक्लेयर, इसी के साथ मिनिज। एंड गाइज हम इस बैट को इजी बना बन चुके हैं। सो अगर गाइज आपको गेम प्ले अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता है।